मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिवारा प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन के साथ काम किया है और नीतिगत तरीके से काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, वह कहीं ना कहीं सम्मान और सुरक्षा के रूप में पूरे मैं समझती हूँ भारतवर्ष में जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं वहां उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से योगी जी ने यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने समस्त रूप से जो है जनता को सम्मान और सुरक्षा दिलाने का काम किया है। और इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है कि जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान के पुरोधा के रूप में उभरी है और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा वह उन्होंने डिट्टो करके धरातल पर दिखाया है। तो यह किसी भी तरीके का मैं समझती हूँ कि जो विपक्ष के इल्जाम लगे हमारे ऊपर वह सब बिल्कुल नाजायज इल्जाम लगाए गए और मैं समझती हूँ किसी भी तरीके का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद भारतीय जनता पार्टी ने न कभी किया है न आगे करेगी। हमारा जो नारा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, वह नरेंद्र मोदी जी आगे भी पूरा करेंगे। और आप देखिए कि 100 दिन आने वाले उसमें 7 बैठकें प्रधानमंत्री जी ने पहले ही फिक्स कर दी हैं कि किन चीजों पर होगी। वह क्लाइमेटिक चेंजेस पर होंगी, पर्यावरण के ऊपर होंगी, क्योंकि हम और आप जब जिंदा रहेंगे पर्यावरण का जब हमारे ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तभी होगा। तो उनके पास 2047 तक कैसा हमारा स्वर्णिम भारत हो उसका रोड मैप है। तो हम ऐसे व्यक्ति को ही चुन करके लाएं जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो और यही लोगों ने किया है, यही भारतीय लोगों ने किया है और 4 जून को इसका रिजल्ट हम सबको दिखेगा।